10th basic concept. What does it say? Dividend. What is dividend? The number to be divided is called the dividend. Means जो number अंदर लिखते हैं, the number to be divided, जिसको divide करना होता है, it is dividend. Next is divisor. The number by which division is made, जिससे divide करते हैं उसको divisor बोलते हैं. Quotient, the number of time the divisor is contained in dividend. जितने times dividend में divisor होता है उसको quotient बोलते हैं. Next is remainder. After subtracting the product of divisor and quotient from dividend, we get remainder. Remainder is the remaining number जो बचता है. जब डिवीजन हो जाता है तो लास्ट में जो नंबर अगर बचे तो वो रिमाइंडर होता है. सो इससे हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है, विच इज़ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड की वैल्यू होती है डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर. हेयर आई हैव रिटन एन एग्जांपल. 35 इज डिवाइडेड बाय 3, सो 35 इज़ द डिविडेंड. जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है. इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, सो जिससे डिवाइड होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं. सो व्हेन वी डिवाइड 11 टाइम्स वो जाता है, 3 × 11 = 33, सो 11 विल बी द क्वेश्चेंट एंड 35 - 33 = 2, 2 इज़ द रिमाइंडर. 2 बचता है तो 2 रिमाइंडर हो जाता है.